हम लोग सीधा होटल से मेरीन ड्राइव पे आ गए हैं। चलिए यहाँ से हमारा सफर शुरू हो रहा है दादा साहब फाल्के चित्र नगरी। ये रिश्ता स्टार प्लस आए करेंगे तो बाय करेंगे, आए कीजिए ऐसे ये रिश्ता दुमता ना 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 दुमता ना 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 दुम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई, जैसे जैसे मुन्ना भाई में विद्या वलम कहती है ना, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई। हाँ तो गाइज आज है हमारा नेक्स्ट डे मुंबई में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो अभी बज रहा है सुबह का लगभग 9 बज गया है और आज का हमारा क्या क्या प्लान है बता दो। प्लान मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि पहले से बोलने से उसमें जिंक्स हो जाता है, जैसे कि हमने पहले कल बहुत सारे प्लान किए थे लेकिन ट्रैफिक कंडीशंस के वजह से बहुत कुछ कैंसिल हो गया। लेकिन एक चीज पक्का है कि हम मरीन ड्राइव पक्का जाएंगे, अच्छा जगह है, हम वो तो प्लान कर ही रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं। फिर वहाँ पे क्या हुआ था? उसमें वहाँ पे बहुत सारे मूवीज वगैरह का शूट होता रहता है। हाँ। और मुंबई आके अगर तुम मरीन ड्राइव नहीं गए हो तो कहाँ गए, इसलिए वहाँ पे हम पक्का जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ जाएंगे, मैंने सोचा है फिल्म सिटी विजिट करेंगे तो लेट्स सी। और उसको देखो हमारे हीरो को। हे गाइस आज का हमारा फर्स्ट लोकेशन है बांद्रा वर्ली सीलिंग, जिसको राजीव गांधी सीलिंग भी कहा जाता है। और इस ब्रिज में जाने के लिए आपको टोल देना पड़ सकता है जो 75 रुपये से स्टार्ट है और इसमें 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स अलाउ नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन केबल ब्रिज है बांद्रा वर्ली सीलिंग। बॉम्बे का ये ब्रिज चालू हुआ था 2009 में, जिसमें इसके सिर्फ 4 लिंक चालू हुई थी और 2010 तक ये 8 लिंक ब्रिज चालू हो चुका है। अभी सामने जो एक बड़ा सा इमारत देख रहे हो वो है अंबानी का घर। टाइम कम होने के कारण हम लोग अच्छे से कवर नहीं कर पाए, जितना हो सकता है हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। हम लोग सीधा होटल से मेरीन ड्राइव पे आ गए। और यहाँ पे देखो शार्लेट को, जिनसे मिलना था उनसे तो कल मिल नहीं पाए और शार्लेट मिल गई यहाँ पे अचानक, और ये उनके दोस्त। मतलब गजब कोइंसिडेंस था, इतना लंबा मरीन लाइन है राइट। हम आए कैब से, यहाँ पे उतरे, उतर के अंदर आए, यहाँ पे ये बैठी हुई है। एंड गॉड स्वेयर बिल्कुल प्लान नहीं था। थोड़ी देर पहले इसकी भाभी और ये मैसेज में बात कर रहे थे कि ये बोली थी घर में आई है भाभी, और वो बोली कि नहीं हम शायद हम ट्राई करेंगे या वो, लेकिन जब यहाँ पे घुसे तो ये यहाँ पे बैठी हुई है। इससे बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता एंड वी आर वेरी हैप्पी कि वो यहाँ पे है, उससे मिल पाए हम लोग। देखो 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 शैतान, देखो वो देखो शैतान, देखो देखो। और गाइस हमारा अगला लोकेशन है राजाभाई क्लॉक टावर। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के कैंपस में खड़ा है 85 मीटर लंबा राजाभाई क्लॉक टावर। इस टावर को बनवाया था प्रेमचंद रोहिचंद ने, जो कि एक बिजनेसमैन और स्टॉक ब्रोकर थे। और इस टावर को डिजाइन किया था सर जॉर्ज गिल्बर्ट स्कॉट ने 1860 में। प्रेमचंद रोहिचंद जो 19वीं सदी के कॉटन किंग थे, उन्होंने मेक श्योर किया कि वो अपनी अंधी माँ को टाइम पे खाना दे सके, जिसके लिए ये क्लॉक टावर बनवाया। अंदर टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते हैं, सो हम लोगों ने बाहर से कैप्चर कर लिया। अभी मुझे कुछ पीने का मन कर रहा है तो अभी सीधा जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे जूस वगैरह मिलेगा। रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, लगता है सिग्नल खुला है, सारी गाड़ियाँ अभी आ रही हैं। हाँ फाइनली यहाँ पे रास्ता क्रॉस करना मीन्स हेडेक। हम लोगों ने क्रॉस कर लिया, अभी जा रहे हैं, कुछ पीने का मन कर रहा है हम लोग। ये लो यार जूस। और ये जो क्रिकेट फील्ड देख रहे हो आप लोग, ये राजाभाई क्लॉक टावर के पास ही है। ये एक फेमस क्रिकेट फील्ड है मुंबई का, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता है। और हम लोग अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जा ही रहे थे, रास्ते में हम लोगों ने देखा हाजी अली दरगाह। मुंबई में मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना गया है हाजी अली की दरगाह। हमारे पास टाइम कम होने के कारण हम लोग विजिट नहीं कर पाए और हम लोग सीधा अपने नेक्स्ट लोकेशन पे चले गए। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट लोकेशन है फिल्म सिटी
अभी हम लोग टिकट काउंटर पे बैठे हैं, बस का वेट कर रहे हैं। वैसे हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया है। जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किया है वो यहाँ पे टिकट काउंटर में आके भी टिकट ले सकता है। अगर बस से पूरा फिल्म सिटी 2 आवर्स का टोल लेना चाहते हो तो पर हेड करीबन 1000 रुपीज करके पड़ता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिया है। इस जगह की हिस्ट्री 1896 से चलती आ रही है। भारत का सबसे पहला मोशन फिल्म प्रोड्यूस किया था दादा साहेब फाल्के जी ने, और उन्हीं के नाम पे ये फिल्म सिटी रखा गया है, दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी मुंबई। मुंबई का अगर कोई पर्यायवाची है तो वो है बॉलीवुड। मुंबई के टूरिस्ट के लिए ये फिल्म सिटी घूमना तो बनता है। 520 एकड़ में फैली 16 एयर कंडीशनर्स, इंडोर स्टूडियोज एंड 42 आउटडोर स्टूडियोज से बड़ी हुई है मुंबई की ये फिल्म सिटी, जहाँ पे रियलिटी शो से लेकर इंडियन सिनेमा सीरियल सब कुछ होता है इसी फिल्म सिटी के अंदर। अभी सारे टूरिस्ट को एक एक करके टूरिस्ट कार्ड दिया जा रहा है और बैठे हुए सारे सीटें एलोकेटेड है जो उन लोगों ने पहले से करके रखा। हेलो मच्ची, चलिए यहाँ से हमारा सफर शुरू हो रहा है। दादा साहब फाल्के चित्र नगरी फिल्म सिटी बॉलीवुड में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो जो चीज हिट हो जाती है उसी को उस लोकेशन का नाम दिया जाता है। हम ही जानते हैं सबसे बड़ा धंधा धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। फिल्म देखोगे अपने रईस, तो गुजरात का नकली शेख मोहल्ला उस जगह पे बनाया गया था शाहरुख भाई का। जुम्मे की राय देखिए दुकान अभी तैयार ही चल रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीधे देखते हैं। ये वैनिटी वैन खड़ी है, बस सुनो करना दादा गाड़ी को। ये रिश्ता स्टार प्लस आए कहेंगे तो बाय करेंगे, आए कीजिए ऐसे। ये रिश्ता स्टार प्लस, हाँ तो सब में दिखाते उस तरह से एक्टर जब दिख जाते हैं तो दिख जाते हैं। शूटिंग अंदर चल रही है, सब्जेक्ट जो बाहर होता है इसी को दिखाया जाता है। तो दादा ये रिश्ता स्टार प्लस, राइट से ध्यान देना। घर हवेली सोसाइटी स्कूल के बच्चे भी लाए, देखिए थोड़े से चाइल्ड एक्टर है। हाँ दिखा है, राजस्थान लिखा, देखिए स्कूल का नाम भी लिखा है वहाँ पे साइन बोर्ड पे। स्कूल वाला सीन है, सब लाइट्स लगी है, शूट यहाँ पे ली जा रही है। और सीन सब्जेक्ट अंदर है, वो स्कूल छोटा सा एक बोर्ड दिखा रही है सब्जेक्ट में, यानी अंदर बाहर करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए फूल वगैरह से सजाया है, शूट यहाँ पे ली जा रही है। विरार मेंशन तरह का नाम लिखा है घर का। स्टार प्लस जब ऑन करोगे ये पूरा घर हवेली सोसाइटी सब आपको दिखेगा। सावधान इंडिया सावधान, क्रिमिनल क्राइम पुलिस पीछा कर रही है मुजरिम का, इस तरह के सीन यहाँ पे ले जाते हैं एक्शन फाइट के लिए जगह की। तो इन जंगलों को आर्मी डिफेंस में भी दिखाएंगे, पुलिस पीछा कर रही है इसी रोड को दिखाएंगे। बहुत सारी फिल्में देखी होगी आपने, नई नई जो आ रही है यही जगह दिखाते हैं किडनेपिंग एक्शन फाइट के लिए। इंडिया पाकिस्तान दिखाया था अभी तो उधर टू के लिए। वो रहा वो ब्रिज, पूरी जगह का लोकेशन का नाम है खंडाला घाट और खंडाला ब्रिज। राइट से ये पेड़ है भूत चुड़ैल, राइट से अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी बिग बॉस देखे वो एक ही कंपनी है, वो बोर्ड है यही डेट निकाल। बस आगे लेना अगर पीछे वाले भी देख सके, सब्जेक्ट मराठी और हिंदी, वही घर हवेली सोसाइटी और सीन मगर अंदर गए। तो अभी तैयारी चल रही है, सेटिंग बोलते हैं, सेटिंग करने बहुत साफ है। लेफ्ट साइड बिग बॉस, उसके बाजू में भी बिग बॉस, आगे भी बिग बॉस और उसके आगे भी बिग बॉस। हमारे साथ जो बस में गाइड था उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई मिल गया मूवी शूट हुआ था और भी कई सारे मूवीज यहाँ पे बनाए गए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जब जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसी स्ट्रक्चर को फिर से वो लोग रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस, इंडियन सीरियल बोलो या इंडियन सिनेमा, सबसे फेमस एंड कॉमन मंदिर जो हमेशा अपने टेलीविजन पे देखते हैं वो मंदिर यही है। आज फॉर्चुनेटली हम लोगों को भी देखने को मिला और एक चीज आप लोग देखने से हैरान रह जाओगे, जब मैंने अपने गाइड से सुनी थी तो मैं भी चौंक गई थी। तो चलो एक साथ जाके देखते हैं। ये देखिए गाइस, हैरान कर देने वाली दृश्य, मंदिर में भगवान जी ही नहीं है। गाइड ने बताया कि सब्जेक्ट के हिसाब से भगवान को लाया जाता है यहाँ पे। अगर कृष्ण भगवान जी का पूजा रहा तो कृष्ण भगवान जी को लाया जाता है, अगर भगवान गणपति जी का पूजा रहा तो भगवान गणपति को लाया जाता है यहाँ पे। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से लाया जाता है भगवान को यहाँ पे। वाह क्या बात क्या बात क्या बात है ना, हैरान रहने वाली बात। इसीलिए तो कहते हैं बॉलीवुड में अगर कुछ चलता और बिकता है तो वो है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और ये देखिए गाइस, कुछ याद आया, चलो मैं बता देती हूँ। यह बॉलीवुड इंडस्ट्री का अदालत है। अदालत सीरियल तो जरूर आप लोगों ने देखा होगा। अदालत सीरियल बोलो या दूसरा कोई और मूवी बोलो, क्राइम सेक्शन में दिखाने वाली हर अदालत यही है। डिसीजन सलमान भाई का है कि वो 7 नंबर में होगा, यानी प्रोड्यूसर जो डिसाइड करता है वही होता है इंडस्ट्री। प्राइम फोकस, बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस और बहुत सारे रियलिटी शो स्टूडियो के अंदर होते हैं,
और सबसे बड़ा मंच है KBC का, कौन बनेगा करोड़पति, रुका दे भाई थोड़ा सा यहाँ पे। अभी सामने जो देख रहे हो ये है KBC का मंच, जो व्हाइट कलर का गाड़ी है सामने उसी के पास ही रुकता है बच्चन सर का गाड़ी, अंदर होता है शूटिंग वगैरह। आज संडे है तो आज नहीं है, आज अगर KBC का शूटिंग रहता ना तो मैं पक्का जाती अंदर और यहाँ से करोड़पति बनके मैं बैंगलोर जाती, बट क्या करें किस्मत में है नहीं। और यहाँ पे आके अभी बस रुक गई है और सारे टूरिस्ट कार्ड अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं यहाँ पे बॉलीवुड शोज वगैरह होता है, अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं जिनका शोज आज हम लोग को देखने का मौका मिलेगा, तो चलो अभी एंट्री ले लेते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री और जानते हैं कि हमारे इस बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया में किन किन लोगों का योगदान और मेहनत रही है, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। इस महान गायिका को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब प्राप्त हुआ। साल 1940 से 1960 को बॉलीवुड सिनेमा का गोल्डन एज कहा जाता है। 1960 से 1980 के दौरान इन कलाकारों ने अपनी फिल्म से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फिर एक ऐसा सितारा आया जिसे पहले सुपरस्टार का खिताब हासिल हुआ। क्या बात है यार, एक बार हुजर तालियां एंट्री हुई भैया तू। हाजीली से मुझे याद आया, मैं भी एक बार हाजीली गया था, वहां एक टीशर्ट भिखारी बिल्कुल मेरी तरह लग रहा हूं, हंस रहे आप लग रहा हूं। तो एकदम डिसेंट भिखारी मुझे देख करके बोलता है हाजीली के बाद कि भी 4 रुपीस बाबू, कितने 4 रुपीस बन गए, 10 रुपए दे दे बाबा, 10 रुपया। मैंने क्या करेगा, बोले फोन रिचार्ज कराना है। बोले किससे बात करेगा बेटा, बोले साहब 3 महीना हो गया गर्लफ्रेंड से बात करना है। मैंने कहा लो भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बनाया है, बोले नहीं बाबू गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है। हमारे साउंड ऑपरेटर के लिए एक बार जोरदार ताली होने, और देखा बोल बोले नमस्कार बेटा भाई। तो राजेश खन्ना जी का आप फैन है, और राजेश खन्ना का चेहरा कैसे आगे जी ताकि ऑडियंस आप लोग के रिएक्शन देख सके। चेहरा बनाना है राजेश खन्ना का पहले, कैसे चश्मा थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे सही जा रहे, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो छींक आती है ना छींक, वो छींक लेना नहीं है, रोक देना, अपने आप राजेश खन्ना का चेहरा बनेगा। 1 2 3 स्टार्ट। अब आ जाए यार, आप तो जिंदल तो बढ़िया लग रही है, मेरे ढील गलत। राव अमृता सिंह वेरी गुड। और ये देखिए ये हमारे हैं पंजाब के राजेश खन्ना लग रहे हैं, और आप साउथ के हाउस फील। तो आप लोग को मुझे फॉलो करना है, 4 कदम आगे चलना है, 4 कदम पीछे आना है, फिर एक राउंड लेना है। राउंड लेने के बाद में कबूतर को दाना डाला है कभी, कैसे डालते हो कबूतर को, नहीं कबूतर नीचे, हाँ नीचे, दोनों हाथ से लेफ्ट साइड में डालना है। रेडी म्यूजिक।
कैसा लगा गाइस फिल्मी जगत का दुनिया, है ना इंटरेस्टिंग? हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आज हमारा रिटर्निंग डेट है यहाँ से पुणे, तो उसी के लिए अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे स्टेशन। तो जाने से पहले अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खा रहे हैं क्योंकि सुबह से लाइट खा के निकले थे तो बहुत भूख लगी थी अभी। और एक दूसरे बस से फिल्म सिटी से एग्जिट कर रहे हैं, तो चलो आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं बहुत जल्द, और एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब।